नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है हरियाणा, जिला है करनाल, थाना है कुंजपुरा और तारीख है 23 दिसंबर 2023। 23 दिसंबर 2023 को रमेश नाम के एक आदमी ने थाने पर पहुंचकर ये बताया कि मेरा 24 साल का लड़का सुमित 23 दिसंबर को घर से निकला था। ये बता के निकला था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। बात रात के 8 बजे की थी। थाने पर पहुंचने वाले रमेश 26 को पहुंचे थे, 26 दिसंबर 2023 को, और ये बताया था कि 23 दिसंबर को मेरा बेटा शाम को 8 बजे निकला था। सामान्य रूप से कभी दोस्तों के साथ घूमने टहलने वो इस समय जाया करता था, और चूंकि खाना नहीं खाया था इसलिए सबको घर में ये अंदाज था कि ये 10 बजे तक आ जाएगा। जब वो 11, 11:30, 12 बजे तक नहीं आया और मोबाइल उसका स्विच ऑफ आने लगा तो घर वालों को संदेह हुआ। इनके दोस्तों के यहां एक एक करके फोन करके ये जानकारी की जाने लगी कि उनके घर सुमित आया तो नहीं है। इसके बाद रिश्तेदारों के यहां, अगले दिन सुबह दूर दराज के जो लोग या जो जगहें या जो जहां संभावना हो सकती है, अपना अपना दिमाग लगाने के बाद घर वाले वहां भी गए, लेकिन सुमित का कोई पता नहीं लगा। 26 तारीख तक आते आते पूरा घर होस्टाइल हो गया कि जरूर कोई न कोई दुर्घटना सुमित के साथ हुई है। दोपहर होते होते सुमित के पिता रमेश कुंजपुरा थाना पहुंच गए और वो अपने साथ उसकी फोटोग्राफ, उसकी सारी डिटेल वो लिख कर ले गए थे। उनको शायद इस बात की जानकारी अगल बगल से या उनके जानकार लोगों ने दे दी थी, ये सब लेकर वहां जाइएगा वरना बार बार आपको दौड़ना पड़ेगा। बहरहाल सारी चीजें चूंकि उनके पास थी और पर्याप्त समय भी उन्होंने बताया कि साहब 23 की शाम को 8 बजे का निकला और आज 26 हो गई, दोपहर तक नहीं आया, तो पुलिस वालों के पास कोई ऐसा बहाना या कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसे वापस भेज देते। मैं आपको ऐसे बहुत ढेर सारे घटनाएं आपको बताई हैं जिसमें पहली बार में पुलिस ये कह देती है पहले जाओ ढूंढो, कल तक और चलो ढूंढो। लड़की की गुमशुदगी अगर लिखवाने गए तो पहला सवाल किसी से इश्क अफेयर तो नहीं था इसका, लड़का अगर गायब हुआ है तो पहले पता करके ये बताइए किसी लड़की के चक्कर में नहीं तो नहीं था कि भाग गया हो। बुजुर्ग है तो उससे ये जरूर पूछेंगे अगर वो थोड़ा 60 से ऊपर की उम्र का है कि घर में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था। ऐसा करिए जाइए एक दिन दो दिन ढूंढ कर तब आइए, तब भी न मिले तब आप हमें बताइएगा। लेकिन वापस करने के सारे इंग्रेडिएंट्स रमेश की सूचना में मौजूद थे, लिहाजा मरता क्या न करता पुलिस को उसकी गुमशुदगी लिखनी पड़ी। फिर पुलिस 2-4 दिन ठंडे बस्ते में रही, उसके बाद फिर रिश्तेदार और घरवाले फिर एक बार थाने पर गए और उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की। उन्होंने ये बताया कि मेरे बेटे सुमित का पड़ोस में रहने वाली एक महिला सुरिंदर कौर से कुछ चक्कर चल गया था और ये बात सुरिंदर कौर के पति को कोई 2 साल पहले पता लग गई थी। एक दिन सुरिंदर कौर और सुमित के चचेरे भाई ने मिलकर उसे काफी मारा पीटा था।
लेकिन चूंकि महिलाओं के चक्कर में मारपीट उसकी हुई थी, इसलिए उसने घर पे कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन टोला पड़ोस की बात थी, कब तक छिपती। 4-10 दिन बाद इस बात का हम लोगों को पता लगा कि सुरेंद्र कौर से संबंध होने की वजह से सुमित की पिटाई सुरेंद्र के हस्बैंड और सुमित के चचेरे भाई ने की है। ये रिक्वेस्ट लेके रमेश और उनके और परिजन थाने पर गए थे कि उन लोगों को भी बुलाकर पूछताछ कर ली जाए या उनके संबंध में भी पूरी जांच कर ली जाए, कहीं उन लोगों ने उसे छिपा कर रखा न हो या कोई उसके साथ वारदात न हुई हो। पुलिस का कुछ बिगड़ना नहीं था, गाड़ी भेजी, साथ में पुलिस वालों को भेजा। सुरेंद्र कौर, उसके पति सुरेश और चचेरा भाई गुलशन, ये तीनों पकड़कर थाने पर आ गए। पूछताछ हुई, उलट पलट के पूछताछ हुई, लेकिन तीनों ने एक स्वर में एक साथ एक तरह के सवाल के एक जवाब दिए कि साहब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बहुत से लोगों से उसकी दुश्मनी थी। ये पूछने पर किससे किससे दुश्मनी थी, तो उसने कहा साहब घर में ही उसको लोग पसंद नहीं करते थे, ऐसा था वैसा था। जो जो सवाल पुलिस करती गई, तीनों ने सधे हुए एक तरह के जवाब दिए। पुलिस ने उनको छोड़ दिया कि हां लग तो यही रहा है कि तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ढूंढना था, कहां गया, क्या हुआ उसके साथ, जिंदा या मुर्दा मिलना चाहिए, और जब क्या हुआ उसके साथ ये पता लग जाए तो उसके बाद किसने किया उसके साथ, इसका आगे पुलिस पता लगाए। बहरहाल जब कोई सुराग नहीं मिला तो 23 तारीख की शाम को 8 बजे से अगले दिन यानी 24 तारीख की सुबह 10 बजे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज 1, 2, 3, 4 किलोमीटर दूर के, यानी जाने की कोई रास्ते, आने का कोई रास्ता, इमीडिएट वहां पर मुगल माजरा में घुसने का रास्ता, इन सारी जगहों के जितने सीसीटीवी फुटेज मिले सब इकट्ठा कर लिए गए। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। टीम पूरी लगी, कई दिन लग गए, लेकिन काम की चीज मिल गई। पुलिस के हाथ एक बाइक पर पीछे एक महिला बैठी हुई, बीच में एक शव के आकार का कुछ सामान जो सफेद चद्दर में बंधा हुआ, एक तरफ सिर और एक तरफ पैर स्पष्ट बंधने के बाद भी बंधने के आकार प्रकार से दिख रहा था। हालांकि रात की सीसीटीवी फुटेज थी, मोटरसाइकिल का नंबर स्पष्ट नहीं आया। लेकिन चूंकि थाने पर सब ने सुरेंद्र कौर और उसके पति से बात की थी, सुरेश से, इसलिए लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि सुरेंद्र कौर और उसका पति मोटरसाइकिल में हैं, बीच में ये लाश रखी है, हो सकता है ये सुमित की हो। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज थाने के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखी, फौरन घर पहुंचे और सुरेंद्र कौर और उनके पति को थाने पर बुला लाए, उठा लाए। बेसिकली पूछताछ की गई, वही पुराना बयान के साथ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर उनसे वो घटना पूछी गई कि क्या हुआ था जब सुमित की पिटाई सुरेश और चचेरे भाई गुलशन ने की थी। दाएं बाएं करने के बाद हां साहब कुछ बात हुई थी, कुछ कह दिया था, भला बुरा कुछ इस तरह की बात कह के टाल दी। 2 घंटे 2.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद जब ये दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे, तब पुलिस को वही करना पड़ा जो उसे करना चाहिए। कई श्रेणियों की पूछताछ और अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम।
एक घंटे के, क्योंकि मेंटली सब प्रिपेयर होके आए थे। और जब उस दिन की मारपीट की घटना के बारे में पूछा जाने लगा तो वो समझ गए कि अब मेरे साथ वही होगा जो पुलिस चोरों के साथ करती है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत होकर आए थे और दो घंटे तक वो पुलिस को उलझाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। जब अपने तरीके पर आ ही गई पुलिस और फिर सारी चीजें उसने बताई तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वाकया कुछ इस तरह बताया सुरेंद्र कौर ने कि मेरे और सुमित के कोई 5 साल से संबंध थे, लेकिन करीब 3 साल पहले एक दिन मेरे पति को यानी सुरेश को उनके ऑफिस में किसी ने कुछ चलते फिरते बताया और इस बात के कोई सबूत भी उसने दे दिए। एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो रही होगी 3-3.5 मिनट की, कहीं बाजार की, वो भी उसको दिखाई। घर आते ही आग बबूला हो गया सुरेश। उसने सुरेंद्र कौर से पूछा कि ये कैसे आता है घर पे और इसके साथ तुम फला जगह क्या करने गई थी, इसके साथ घूमने का क्या मतलब है। बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब वो हमेशा सर हिलाकर ना में करती रही। जब सुरेश ने सुरेंद्र कौर यानी अपनी पत्नी पर ज्यादा दबाव बनाया तो सुरेंद्र कौर की नाना हल्की हल्की हां हां में बदलने लगी। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया। उसने गुलशन को बुलवाया और कहा कि गुलशन, ये तो परिवार की इज्जत पे हमला कर दिया इसने। बस फोन किया गया, उसी से फोन कराया गया सुरेंद्र कौर से, और भागते हुए सुमित घर पहुंच गया। घर पर पहुंचते ही सुरेश और गुलशन ने उसकी जबरदस्त कुटाई की, बहुत मारा। किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागा। लेकिन पुलिस में नहीं गया। वो जानता था पुलिस में जाएंगे, पता लगेगा, हमारे मां बाप भी नाराज होंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, पड़ोस की बात है, लिहाजा वो चुप होकर बैठ गया। गुलशन ने जो बहादुरी का परिचय दिया सुरेंद्र कौर के सामने, उसका वो गुणगान सुरेंद्र कौर से करना शुरू किया उसने कि ऐसा हस्बैंड बताइए, पहला थप्पड़ मारा उसके बाद भाग गया, हम ना होते तो जाने क्या होता, इस तरह की बात। और धीरे धीरे सुरेंद्र कौर ने गुलशन को भी अपना बना लिया, या यूं कहें गुलशन भी सुरेंद्र कौर से संबंधित हो गया, संबंध स्थापित हो गए। उधर लुटा पिटा सुमित इसी फिराक में था कि कैसे दांव लगे, कैसे बात हो, कैसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लिया जाए। तभी उसको भी एक क्लू मिल गया कि गुलशन और सुरेंद्र के संबंध हो गए हैं। उसने बिना देर किए हुए दूसरे मोबाइल नंबर से सुरेंद्र कौर से संपर्क किया और ये बताया कि तुम उसके साथ फला 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 जगह गई थी और वो घर में इतने बजे गया था और इतने बजे लौटा, और मैं ये बात हर हाल में तुम्हारे पति को बताऊंगा ताकि उसको ये पता लग जाए, पति को यानी सुरेश को, कि तुम कितना पतिव्रता हो। जैसे ही ये बात, ये डिटेल्स सुमित ने सुरेंद्र कौर को बताई, सुरेंद्र कौर बिल्कुल घुटनों पर आ गई। उसने कहा कि क्यों मेरी जिंदगी खराब करने पे लगे हो, वैसे ही वो इतना तनाव में है तुमको लेके
और अगर गुलशन की बात तुमने उसको बता दी तो बड़ा बुरा होगा। फिर सुमित ने अपनी वही जो पुरानी आदत है कि यहां पर आओ वहां पर आओ, उसने कहा ठीक है मुझे थोड़ा समय दो, मैं भी मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं और थोड़ा सा समय दो, सामान्य होने पर तुम जो कहोगी वो तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, ऐसा सुरेंद्र कौर ने सुमित से कहा। फिर कई दिन बीत गए, फिर सुमित ने फोन किया कि आज तुम्हारा पति फला जगह फंक्शन में, फला का बर्थडे है उसमें जाएगा, मैं भी रहूंगा, मैं आज उसको बता दूंगा। फिर वो हाथ पैर जोड़ने लगे कि नहीं ऐसा मत करना, लेकिन तुरंत ही उसने गुलशन को बुला लिया और गुलशन से कहा कि अब बहुत हो गया, अगर इसने ये बात बता दी सुरेश को तो तुम्हारा भी आना जाना मेरे यहां बंद, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। वही चढ़ाने वाली बात बिल्कुल झाड़ पे चढ़ा दिया कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। उसने कहा करना कुछ नहीं है, आज ही रात उसे फोन करके 9 बजे बुलाओ, क्योंकि आज सुरेश घर में नहीं है, वो फला जगह शादी में गए हैं और कल शाम तक आएंगे, वो बुलाओगे जब तो वो फला फला रास्ते से आएगा, मैं फला जगह खड़ा होके उसका इंतजार करूंगा, जैसे ही वो दिखाई देगा मैं उसे रोक लूंगा, उसके बाद जो कुछ होगा मैं बाद में टेलीफोन पर बता दूंगा। उसने कहा ठीक है। सुरेंद्र कौर ने सुमित को फोन करके बुलाया कि तुम चले आओ, आज नहीं है, आप पति हमारे कहाँ गए हैं जो कुछ भी बताया उसने, तुम चले आओ, आज सारे गिले शिकवे दूर होंगे और तुम्हारे पास अगर कुछ मेरा है या मेरे पास कुछ तुम्हारा है तो वो दोनों हम लोग डिलीट करेंगे, हटाएंगे। दोनों एक दूसरे को बताते रहते थे ब्लैकमेल करने के लिए। सुमित वहां से चला और बिल्कुल तय जगह पर गुलशन ने उसे रोक लिया, मोटरसाइकिल से गिरा लिया, पहले गाली गलौज की, उसके बाद उसके सीने पे सवार होकर उसका गला दबा दिया। और तब तक इंतजार किया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मरने के बाद कंधों पे लाद कर थोड़ी दूर पर एक खेत के बीच में डाल दिया। बाहर निकलकर सुरेंद्र को बताया कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। सुरेंद्र ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उनका मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा तुम बोले नहीं नहीं मुझे उसकी शक्ल भी देखनी है। सुरेंद्र ने अपना दांव खेला कि ऐसा ना हो इसने झूठ बता दिया हो। उसने कहा नहीं मुझे उसकी मरने के बाद की शक्ल देखनी है, उसने मुझे बहुत परेशान किया है। गुलशन थोड़ी देर में मोटरसाइकिल लेकर आ गया और ये कहा कि जब आई हो चल ही रही हो तो एक चद्दर और ले लो, वहां तो पता लग जाएगा किससे क्या हुआ है, लिहाजा उसको बांध के हम लोगों को कहीं दूर फेंकना होगा। सुरेंद्र कौर ने फौरन एक के बजाय 2 चद्दरें ले ली और मोटरसाइकिल पर चढ़कर उसके पास गई। वहां जाकर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में वो भी मुतमईन हुई कि ये मर चुका है। फिर उसके बाद चद्दर में लपेटकर दोनों उसे मोटरसाइकिल तक ले आए और फिर बीच में उसे रखकर वो वहां से चल दिए। लाश बड़ौता के लाश कुराली के पास पश्चिमी यमुना नहर में ले जाकर फेंक दी। पुलिस को पता लगा कि 5-6 दिन बाद तो ये पता लग रहा है लाश पता नहीं कहां होगी,
ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। पुलिस उनको लेकर कुराली के पास लाश के फेंके जाने वाले स्थान पर उसने तमाम जांच पड़ताल की। फिर पुलिस, सुमित के परिवार वाले और गांव के कुछ लोग वो बहाव के डाउन द स्ट्रीम जगह जगह पर जाल लगाकर उसको ढूंढने की कोशिश करने लगे और 10 दिन बाद सुमित की लाश बड़ौता के पास नहर में उतराती हुई मिल गई। डेड बॉडी पूरी तरह से फूल कर विकृत हो गई थी, लेकिन पहनी हुई जर्सी से परिवार वालों ने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि यही सुमित है। पुलिस ने गुलशन, रमेश और सुरेंद्र कौर तीनों को गिरफ्तार कर लिया और कंजपुरा थाने के SHO तरसेम कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थाने पर सारी डिटेल बताई। CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल ने भी लोगों को, उनकी जो प्रेस वालों को जो उनकी क्वेरीज थी कि कैसे पुलिस वहां तक पहुंची, कैसे पुलिस ने किन एविडेंस के आधार पर सुरेंद्र कौर और उसके प्रेमी गुलशन को आइडेंटिफाई किया, सारी बात एक एक करके प्रेस में इन दोनों लोगों ने बताई और फिर जो अगले दिन अखबारों में भी छपी। आज की घटना देखिए, आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में, खासकर हिंदी की एक्शन मूवीज में ये देखा होगा कि फिल्म की हीरोइन को अचानक कुछ गुंडे छेड़खानी करने लगते हैं और जैसे ही छेड़खानी एकदम अपने पीक पर पहुंचती ही वैसे ही नेपथ्य से हीरो आ जाता है और फिर वो अकेला सारे गुंडों पर भारी पड़ने लगता है। और इस तरह के जो सीन है वो ज्यादातर गोडाउन में आपको मिलेंगे कि लड़की किसी बहाने से गोदाम में पहुंचती है और फिर वहीं ये गुंडे आ जाते हैं और फिर अचानक कहीं से प्रकट होकर हीरो आ जाता है और उन 10-12 गुंडों को पीट पीट के भूसा भर देता है और फिर जो उनका मेन गुंडा होता है उसमें विलन जिसे कहते हैं विलन टाइप का होगा उसको बिल्कुल सिर के ऊपर उठाकर और जोर जोर से घुमाकर फेंकता है और उस गोदाम में तमाम अलमारियां, लकड़ी के डिब्बे और कुछ मेजें ये सब पड़ी होती हैं और जिस दिशा में उसको फेंकता है बड़े वाले गुंडे को तो वो रॉकेट की तरह वहां या तो डिब्बे में घुस जाता है या ड्रम में घुस जाता है या अलमारी में घुस जाता है या टेबल को 4-5 टुकड़े कर देता है जिस पर वो गिरता है। बड़ा कॉमन सीन है, पता नहीं जो एक्शन डायरेक्टर होते थे वो भी शायद सेम थे, जो डायलॉग राइटर थे वो भी संभवतः सेम ही थे, जो कथानक लिखने वाले थे, स्टोरी लिखने वाले थे वो भी सक्सेस फिल्मों की राह में उसी तरह की बनाते थे। आप देखिएगा, गौर करिएगा, पुरानी फिल्मों में लगभग सब में यही होता है और जैसे ही वो नचा के फेंकता है उसको मेन वाले गुंडे को वैसे ही छोट छोट भैये सब दौड़ के हिलते डुलते भाग जाते हैं और फिर वहां पर अकेले हीरो हीरोइन बसते हैं। 2-4 मिनट की बात, एकाधी मिनट की बात उनके बीच होती है और फिर हीरोइन सारी दुनिया को छोड़कर हीरो से लिपट जाती है कि तुमसे बहादुर कोई नहीं है, तुम न होते तो मैं मर गई होती, तुम न होते तो मेरा क्या होता, यही सब डायलॉग की लाइंस हैं और वो लिपट जाती है। आज की घटना में भी ठीक वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। पहले वाली फिल्मों में हीरो कभी कभी जैसे नाकाम होने लगता था तो अपने ही आदमी तैयार करके छेड़खानी करवाता था और उसकी लिमिट बता देता था और उसी अंदाज से वो नेपथ्य से प्रकट हो जाता था और पीट पीट के गिरा गिरा के कई कई गोल चक्कर में घुमा के और फिर हीरोइन प्रभावित हो जाती थी और फिर हीरो हीरोइन की दास्तां फिल्म में आगे बढ़ती थी।
ऐसा ही हुआ। रमेश को जब पता लगा तो उसने गुलशन से संपर्क किया। गुलशन पहले से ही तैयार बैठा था बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। उसने फौरन रमेश को दरकिनार किया और सुमित की बलभर कुटाई की, वो भी सुरेंद्र कौर के सामने। उसके बाद सुमित वहां से भाग खड़ा हुआ। रमेश भी इस डर से कि पुलिस आएगी, ये गया है पुलिस को बताएगा, पुलिस आ जाएगी, वो भी भाग खड़ा हुआ। फिर बचे सुरेंद्र कौर और गुलशन। फिर वही होना था जो बाकी हिंदी फिल्मों में पहले ही मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि गुलशन सुरेंद्र कौर पर पहले से बदनीयत रहा हो और मौका मिलते ही उसने अपना बिल्कुल फिल्मों में जो हीरो टाइप के लोग करते हैं वैसा करके सुरेंद्र कौर को उनका दिल जीत लिया, जैसे कहते हैं। फिर उसे लगा कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी। पीटने के बाद भी वो परेशान कर रहा है, फिर वो कह रही है कि देखो अब मुझे वो परेशान कर रहा है और तुम्हारा मिलना भी बंद हो जाएगा। लिहाजा उसने एक तलवार को म्यान से उखाड़ फेंका और सुमित की हत्या कर दी। और उसे लगा कि शायद ये मेरी बात को न माने, उसे लाकर लाश के सामने, लाश पड़ी हुई थी उसके सामने खड़ा किया और कहा कि देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब सुरेंद्र कौर महिला है, मैं अब उसके बारे में क्या कहूं। मतलब पति जो संपर्क में उसके थे, उसका अपना पति, सुमित और गुलशन, मतलब सबको एक साथ साधना। मतलब आप कभी कभी सड़क के किनारे दो डंडों के पोल के बीच में एक रस्सी बंधी हुई और उसमें एक छोटी सी बच्ची एक डंडा लेकर एक सिरे से एक सिरे तक, सिर में वो लोटा भी रख लेती है, ग्लास भी रख लेती है, हाथ में कुछ और बांध लेती है, उस पे वो डंडा है, नीचे वो रस्सी है, एक एक पैर वो सब चीजों को साधते हुए चल रही है। ऐसा ही कुछ सुरेंद्र कौर कर रही थी। रमेश, उसका पति, सुमित और गुलशन सबको एक साथ साधे हुए, बहुत बड़ी कला है ये। जैसे वो बच्चियां ये कला का प्रदर्शन करते हैं, जो नट होते हैं, नट बिरादरी के लोग होते हैं, सर्कस जैसा वो एक्शन करते हैं, वो भी सड़क के किनारे लोगों की तालियों के बीच में। तो ये बहुत बड़ी कला है और इसी कला की साधना में अब वो जेल चली गई। बाहर आने का कोई समय और रास्ता मेरी समझ में तो जल्दी नहीं आता। आप कह सकते हैं कि अति कर दी सुरेंद्र कौर ने अति कर दी। मतलब जो गाजे बाजे से उसके घर जाकर विदा कराकर ले आया, जब उसकी नहीं हुई तो इन छिछोरों और लखैरों की वो कैसे हो जाती। एक थोड़ा सा आगे बढ़ा, दूसरे से मरवा दिया। अब तो खैर जेल में है, वरना दूसरा आगे बढ़ता तो तीसरे से मरवा देती या पति से मरवा देती। तो अति है। वो कबीर दास जी ने जीवन मूल्यों को इस कदर जिया, इस तरह से देखा, इतना घूमे कि वो समाज के हर पहलू को उन्होंने दोहे या कवित्व में बांध दिया है। अब जैसे अति कर दी इसने, तो अति पर जो उन्होंने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सब उन्होंने कह दिया, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। और यही अति कर दी सुरेंद्र कौर ने। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।